पेरेंट्स, आज मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगी। बच्चों को आसान तरीके से आप वर्ब कैसे सिखा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को वर्ब सिखाने से पहले, डेफिनेशन लर्न कराने से पहले, आप उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटी दीजिए करने के लिए, जिससे कि बच्चों को ये पता चले कि वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चों को आप ऐसे बता सकते हैं, किड्स कैन, बच्चे क्या काम कर सकते हैं, या फिर आई कैन, कि वो क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो वर्ब के एक्शन वर्ड्स होते हैं वो बच्चों को बताने हैं। जैसे आई कैन ईट, रीड, राइट, लर्न, प्ले, याद हो जाएंगे और वो समझ जाएगा कि हाँ, ये हम काम करते हैं, ये सारे एक्शन वर्ड्स वही करते हैं। उसके बाद आप बच्चों को डेफिनेशन लर्न कराइए। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन। जो वर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ड हम यूज करते हैं एक्शन करने के लिए, जो भी हम काम करते हैं वही हमारा वर्ब कहलाता है, जिसको हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। उसके बाद अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग डज। ऐसे शब्द जो क्या कहलाते हैं, जो कोई भी पर्सन या कोई एनिमल या कोई थिंग काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स और वर्ब बोलते हैं। यानी कि हमारी तीनों चीजें आ जाती हैं, पर्सन, एनिमल और थिंग। जब इनके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, उसको हम एक्शन वर्ड या फिर वर्ब बोलते हैं या फिर क्रिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर उन्हें फिर से एग्जाम्पल करके बता दीजिए, रीड, राइट, रन, प्ले, जो कि हमने इसमें भी लिखे हुए हैं। उसके बाद पर्सन, हम बात कर रहे हैं एक्शन वर्ड की, कि पर्सन क्या काम करता है। तो पर्सन के तो मैंने यहाँ पे मोस्टली लिख ही दिए हैं सारे, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उसके। उसके बाद आप एनिमल का बता सकते हैं। एनिमल में जैसे कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जंप करते हैं, जैसे मंकी जंप करता है, क्लाइंब करते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, और जैसे रोअर, लॉयन जो है घुर्राता है, रोअर, तो ये सारे उसके एक्शन वर्ड्स हो गए एनिमल्स के। उसके बाद आप थिंग्स के बता सकते हैं, जैसे हमारी कार होती है, कार मूव करती है, क्रैक, क्रैक में आप एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं, जैसे कि क्रैकर्स होते हैं पटाखे, तो उनको फोड़ते हैं, वो भी एक टाइप का क्या है, एक्शन होता है। और थिंग में आप एक और बता सकते हैं, जैसे ब्रेक, जैसे मिरर का आप एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं, मिरर, मिरर क्या करता है, जैसे मिरर ब्रेक हो जाता है तो हम उसको ब्रेक बोलते हैं। क्रैकर्स का आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, क्रैकर्स, कार का एग्जाम्पल लेके, कि कार मूव करती है। तो आप इस तरीके से बच्चों को थिंग्स के भी एक्शन लर्न करा सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दीजिए। उसमें आप जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है शी डैश ए सॉन्ग, यहाँ पे आपने दो वर्ड लिख दिए हैं, दो वर्ब्स हैं, तो उसमें से बच्चा खुद चॉइस करेगा कि क्या मतलब वर्ड इसमें हम फिल करेंगे। जैसे शी डैश ए सॉन्ग, तो सिंग्स और ड्रिंक, तो ड्रिंक तो हो नहीं सकता, सिंग होगा, तो यहाँ पे सिंग्स, शी सिंग्स ए सॉन्ग। नेक्स्ट, ही डैश ए कार, ड्राइव्स और कॉल्स, तो ड्राइव होगा, तो यहाँ पे ड्राइव्स हो जाएगा। उसके बाद स्टार्स डैश इन द स्काई, रन और शाइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
शाइन। तो इस तरह से बच्चा कंपेयर करना भी सीखेगा कि हम कौन सी वर्ब को कहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरलाइन द वर्ब्स। यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, कुछ सेंटेंस आपने दे दिए, बस आपको क्या करना है, उनको बताना है कि वर्ब को क्या करेंगे, सिर्फ अंडरलाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे ही राइट्स ए लेटर, तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आप पुरानी चीजें भी आप रिवाइज करा सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रोनाउन के बारे में, तो आप उसको कंपेयर करना भी बताइए कि प्रोनाउन क्या है और हमारा वर्ब क्या है। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया। उसके बाद ही ईट्स एन एप्पल, तो ही प्रोनाउन है और ईट्स हमारा एक्शन वर्ड है, वर्ब है। उसके बाद शी रीड्स ए बुक, तो शी प्रोनाउन, रीड्स वर्ब। तो आप पिछला भी आप रिवाइज भी करा रहे हैं साथ के साथ, और कंपेयर करना भी बता रहे हैं कि वर्ब हम किसको अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी एक्टिविटी सिर्फ वर्ब करने की है, तो वर्ब को वो अंडरलाइन करेगा। आई थ्रो द पेपर्स इन द डस्टबिन, तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, थ्रो। उसके बाद राम गोज टू स्कूल, गोज। इस तरीके से आप बच्चों को अंडरलाइन करने वाले सेंटेंसेस दीजिए। लास्ट एक्टिविटी आती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है बच्चों के लिए, जैसे कि अक्सर मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ट्री बनाया है, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स बना दिए हैं, लिख दिए हैं, और उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल दिए हैं। अब बच्चों को आप ये एक्टिविटी इस तरह से करने के लिए दीजिए कि आपको क्या करना है, सिर्फ वर्ब वर्ब को ढूंढ कर क्या करना है, उन पे सर्कल करना है। तो जैसे रन, ईट, राइट, सिंग, वॉक, रीड, ड्रिंक, क्राई, स्लीप, वॉश, कुक एंड प्ले। इस तरीके से बच्चा क्या करेगा, सारे वर्ब्स को ढूंढ लेगा, और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या आता है, इनको कलर करेगा, और उसके बाद ये ब्यूटीफुल ट्री जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से कलर करने के बाद एक ब्यूटीफुल ट्री तैयार हो गया है। तो आप इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सीखेगा इसको, और वो वर्ब फॉर्म्स भी आसानी से लर्न कर लेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।